नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका विवेक ज्ञान के इस वीडियो पे। आज हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी के एक और टर्म पे जिसका नाम है कीस्टोन स्पीसीज। इस कीस्टोन स्पीसीज नाम के इस टर्म पे आज थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो अ कीस्टोन स्पीसीज इज अ स्पीसीज विच हैज अ डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचर एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स एब्यूडेंस। तो कीस्टोन स्पीसीज एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एब्यूडेंट होने वाले स्पीसीज से भी ज़्यादा और इनके इफेक्ट उस एनवायरनमेंट पे होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहीं पर ऐसे स्पीसीज है जो कम संख्या में वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन उनका जो प्रभाव है उस ज़्यादा मात्रा में या फिर लार्ज नंबर में जो स्पीसीज हैं उनसे भी ज़्यादा इफेक्ट ये अपने एनवायरनमेंट पे दे रहा है। तो ये वाला जो स्पीसीज है जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसके एनवायरनमेंट पे पड़ता है, तो इसे हम कीस्टोन स्पीसीज के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन 1969 बाय अ जूलॉजिस्ट रॉबर्ट टी पेर। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कीस्टोन का, इसको सबसे पहले एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट टी पेन, इन्होंने 1969 में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। सच स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। साथ ही साथ ये जो स्पीसीज होते हैं ये अपने जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है उनको उनके स्ट्रक्चर को उसको मेंटेन करने के लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान के चलते हैं एक शेर ही है, वो शेर क्या करता है कि वो पूरे के पूरे एरिया में जिस एरिया पे वो रहता है तो वहाँ पे जितने भी हर्बीवोरस होंगे यानी कि शाकाहारी प्राणी होंगे उनके नंबर्स को वो क्या करेगा, पूरी तरीके से ये डिटरमाइन करेगा। ओके, अगर मान के चलिए कि ये जो हर्बीवोरस है अगर बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मौजूद रहेंगे और ये जो कीस्टोन स्पीसीज है यानी कि जो शेर है वो वहाँ पे अगर मौजूद नहीं है तब क्या होगा कि ये सारे के सारे जो हर्बीवोरस है शाकाहारी प्राणी हैं पूरे के पूरे प्लांट्स को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। जितने भी ग्रासेस हैं उनको वो ख़त्म कर देंगे। तो इनको बचाने के लिए इनकी संख्या को मेंटेन करना ज़रूरी है, और इनकी संख्या को मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, यही जो शेर है यानी कि जो कीस्टोन स्पीसीज है वो करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने इकोलॉजिकल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, अफेक्टिंग मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम एंड हेल्पिंग टू डिटरमाइन द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ द वेरियस अदर स्पीसीज इन द कम्युनिटी। जैसे कि मैंने बताया कि यही वह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे तरीके के ऑर्गेनिजम्स को जो उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं उनको क्या करते हैं, उनकी संख्या को निर्धारित करने में ये हेल्प करते हैं। Without keystone species, the ecosystem would be dramatically different or cease to exist altogether. यानी कि अगर ये जो keystone species अगर ecosystem में ना रहे तो उसका ये जो ecosystem है वो उसका अचानक से क्या हो जाएगा, नाटकीय रूप से वो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि वो जो हर्बीवोरस है वही पूरा का पूरा जो प्लांट्स हैं उनको क्या कर जाए, उनको पूरा साफ कर दे, उनको एग्जिस्ट कर दे, और उसकी वजह से आप उनके पास जब खाने को ना मिलेगा तो वो जो हर भी बड़ोस है वो भी धीरे धीरे एग्जिस्ट होते चले जाएंगे। सम कीस्टोन स्पीसीज सच एज द वुल्फ आर आल्सो एपेक्स प्रेडेटर। तो ये जो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं ज़्यादातर प्रेडेटर होते हैं, जैसे कि वुल्फ है तो वुल्फ भी एक अच्छा कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है। और कीस्टोन स्पीसीज वर डिफाइंड बाय द पेन एज अ स्पीसीज That has a disproportionately large effect on its environment related to its abundance. तो जैसे हमने पहले भी देखा कि ये जो कीस्टोन नाम का जो टर्म थे इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस पेन नाम के रॉबर्ट टी पेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और इनके अनुसार भी वही था कि कीस्टोन स्पीसीज एक ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इट हैज़ बीन डिफाइंड ऑपरेशनली बाई आर डी डैरिक इन 2003। और इसके बाद जैसे कि टी पेन ने इस पर काम किया उसके बाद आर डी डेविक ने 2003 में तो एक बार और काम किया और अपनी तरफ से कीस्टोन स्पीसीज को डिफाइन करने का प्रयास किया, और इनके अनुसार स्ट्रॉन्गली इंटरैक्टिंग स्पीसीज हुज
top-down effect on species diversity and competition is largely relative to its biomass dominance within a functional group. तो अगर इसका अगर आरडी डेविक के अनुसार देखें तो इनके अनुसार भी वही था कि ये एक ऐसा स्पीसीज होता है, एक ऐसा स्ट्रॉन्गली इंटरैक्टिंग स्पीसीज होता है जिसका प्रभाव बाकी दूसरे जितने भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, उनके बायोमास को कंट्रोल करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको डिटरमाइन करने में ये हेल्प करते हैं। और क्लासिक कीस्टोन स्पीसीज इज द प्रीडेटर। अब देखिए जो कीस्टोन होते हैं जनरली प्रीडेटर ही होते हैं, यानी कि शिकारी प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं, स्पीसीज होते हैं, वही यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज की भूमिका अदा करते हैं। दैट प्रिवेंट अ पर्टिकुलर हर्बीवोरस स्पीसीज फ्रॉम एलिमिनेटिंग डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रीडेटर होते हैं वो हर्बीवोरस से अगर नुकसान होना है वहाँ की जो डोमिनेंट प्लांट को, प्लांट स्पीसीज को, तो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रिवेंट करता है इन हर्बीवोरस से, क्योंकि ये जो प्रीडेटर हैं ये आप लोग जानते हो भक्षण करते हैं किसका, ये हर्बीवोरस या फिर शाकाहारी प्राणियों का, ठीक है। और ये शाकाहारी को जब भक्षण करते हैं तो ये कंट्रोल करते हैं उनके नंबर को, और इसके अलावा वो कंट्रोल करते हैं साथ ही साथ कि वहाँ पे जो प्लांट्स की उपलब्धता है वो बनी रहे। इफ प्रे नंबर आर लो कीस्टोन प्रीडेटर कैन बी इवन लेस एब्यूडेंट एंड स्टिल बी इफेक्टिव। अगर मान के चलिए कि किसी जगह पे जो प्रेज हैं, प्रेज मतलब ये जो हर्बीवोरस प्राणी थे वो, ठीक है, तो इनका नंबर्स अगर कम हो जाए तो वहाँ पे कीस्टोन प्रीडेटर भी क्या होते हैं, संख्या में कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, इफेक्टिव होते हैं, यानी कि वहाँ पे भी ये बराबर प्रभाव डालते हैं। एट विदाउट द प्रीडेटर द हर्बीवोरस प्रे वुड एक्सप्लोड इन नंबर, वाइप आउट द डोमिनेंट प्लांट एंड ड्रामेटिकली अल्टर द कैरेक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये जो प्रीडेटर होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये जो हर्बीवोरस प्रे होते हैं इनकी जो संख्या है अगर वो एकदम ज़्यादा एक्सप्लोड ना हो जाए, या फिर वहाँ की जो प्लांट है वो एकदम वाइप आउट ना हो जाए, वाइप मतलब कि वहाँ से वो खत्म ही ना हो जाए, वहाँ से साफ ही ना हो जाए, एंड ड्रामेटिकली अल्टर द कैरेक्टर, और वहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसका जो कैरेक्टर्स है वो अचानक से ड्रामेटिकली या नाटकीय रूप से वो परिवर्तित ना हो जाए, इसको वो बचाता है, इसको वो प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रोकोडाइल और दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉक्स। तो यहाँ पे आपको वुल्फ और यहाँ पे वुल्फ और ये जो आपको क्रोकोडाइल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों अपने अपने जगह पे अपने आवासीय स्थानों के ऊपर या जिस एनवायरनमेंट पे ये निवास कर रहे हैं वहाँ पे ये कीस्टोन स्पीसीज के रूप में काम आते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मगरमच्छ जलीय जीव है, और वहाँ पे ये जलीय कंडीशन में यानी कि एक्वाटिक कंडीशन में, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ये क्या करता है, वहाँ के जो स्पीसीज है उनको डिटरमाइन करने का काम करता है, ठीक है। और उसी तरीके का यहाँ पे वुल्फ भी क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट में दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो क्या करता है, उनके नंबर्स को डिटरमाइन करने का काम करता है, ताकि जो प्रकृति का जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहे। तो ये जो कीस्टोन स्पीसीज का जो टॉपिक था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आपको हमारा जो अगर जो चैनल है अगर पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।